कल जो एनडीए के कैंडिडेट के रूप में और भारत के राष्ट्रपति के रूप में कल चुने जाने वाले राष्ट्रपति जी आज गुरुद्वारा बंगला साहब में आशीर्वाद लेने के लिए आए, हमें बड़ी खुशी हुई ये जानकर जब उन्होंने बताया कि उनका बेटा, उनकी डॉटर इन लॉ, उनकी बेटी बंगला साहब में लगातार पोचे लगाने की और जोड़ा घर की सेवा करते रहे हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी हुई जब उन्होंने बताया कि जो उनकी गवर्नर के रूप में बिहार में ड्यूटी लगी तो ये मानते थे कि गुरु गोविंद सिंह साहिब महाराज जी का गुरुपुरब, इसलिए उनको ये सेवा मिली। तो ये आज उनका विश्वास सिद्ध हुआ, साबित हुआ जब उनको राष्ट्रपति जी के रूप में कल चुना जाएगा। और हमें इस बात की खुशी है कि जो एनडीए के कैंडिडेट का राष्ट्रपति चुने जाएंगे आज वो गुरु घर में गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सामने नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेने के लिए आए। हम जहाँ उनको आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट की तरफ से और दुनिया भर में, देश और दुनिया भर में गुरु नानक नाम लेवा की तरफ से उनको इस पदवी पे कल बैठने के लिए आज एडवांस में उनको बधाई देते हैं और उनके लिए कामना करते हैं। परमात्मा उनको अच्छी सेहत दे और इसी तरह देश की वो सेवा कर सकें।